हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज बहुत दिनों बाद मुझे इस तरह से एक सिट डाउन वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज है 25 सितंबर 2024 और आज से एग्जैक्टली 3 दिनों बाद मैं जा रहा हूँ स्पीति ट्रिप पे, और एक्साइटमेंट का लेवल तो भाई इतना ज्यादा है मैं क्या बताऊँ। ये ट्रिप लगभग 7 दिनों की होने वाली है। सैटरडे को शुरू होके अगले सैटरडे या संडे हमारी ट्रिप खत्म हो जाएगी। शिमला से हम लोग स्पीति जाएंगे और शिमला से ही हम वापस आएंगे क्योंकि कुंजुम पास बंद हो चुका है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो मैं अपने साथ स्पीति लेके जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि जो भी लोग स्पीति ट्रेवल करते हैं उन्हें अपने साथ क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए। इस वीडियो में मेनली मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपने साथ क्या क्या कपड़े लेके जा रहा हूँ विंटर के हिसाब से और नॉर्मल वेदर के हिसाब से, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लस दवाइयाँ, प्लस गाड़ी के हिसाब से मैंने अपनी क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि मैं स्पीति जा रहा हूँ सेल्फ ड्राइव करके अपनी स्कोडा कुशाक में। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कपड़ों से। ये है अपना पूरा ट्रिप का सामान जो मैंने बेड पे इकट्ठा कर दिया है। जब भी मैं किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ 7-8 दिन के लिए, तो मैं इसी तरह से अपना सामान लगा लेता हूँ। जैसे जैसे मुझे चीजें याद आती रहती हैं मैं यहाँ पे रखता जाता हूँ और लास्ट में इसे मैं पैक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं विंटर के हिसाब से क्या कपड़े लेके जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं इस मोटी सी स्वेटशर्ट से। ये दिखने में वूलन है लेकिन इसका स्टाइल जो है वो थोड़ा स्वेटशर्ट की तरह है। इसके अंदर ये बहुत अच्छी फ्लीस की क्वालिटी है, ये मैंने मनाली से ली थी। ये आपको अच्छे खासे कोल्ड टेम्परेचर में बचा सकती है। और इसके नीचे है ये मेरी नॉर्थ फेस की जैकेट, इसके अंदर भी फ्लीस लगी हुई है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये भी मैंने मनाली से खरीदी थी। कुल मिला के विंटर से बचने के लिए ये मेरे 2 सबसे मोटी जैकेट कह लो या स्वेटशर्ट्स हैं। उसके बाद आती हैं ये 2 नॉर्मल स्वेटशर्ट्स। ये दोनों मेरी फेवरेट हैं और जहां भी जाता हूं मैं ये दोनों जरूर कैरी करता हूं। ये वूलन ग्लव्स हैं जो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूं। मेरे पास इससे बेटर ग्लव्स भी हैं लेकिन उनकी अभी अक्टूबर में स्पीति में जरूरत नहीं है। एक मफलर है जो ये मैं साथ में कैरी कर रहा हूं, ये भी मैंने मनाली से खरीदा था और ये आपके फेस को कवर करने के काम आता है। जब विंड चिल बहुत ज्यादा होती है तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ये आ गई है अपनी एक कैप, ये भी वूलन है। इसका जो ये एरिया है ये कानों को बहुत अच्छे से कवर कर देता है और अगर विंड चिल बहुत ज्यादा है तो ये बहुत काम आती है। और ये है मेरी सेकंड कैप विच इज स्कल कैप। ये 2 वार्मर के सेट मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। ये 2 अपने गर्म लोअर हैं जो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इसके नीचे वार्मर डालूंगा, अगर ठंड ठीक ठाक हुई तो ये एज इट इज काम बढ़िया करेंगे। और ये है मेरी 2 कार्गोज, ये मैंने डिकैथलॉन से खरीदी थी। कार्गोज एक्चुअली ट्रेवल को बहुत कंफर्टेबल बना देती है एंड इनमें पॉकेट्स भी ज्यादा होती हैं, तो आप काफी सारी चीजें इधर उधर पॉकेट्स में रख सकते हैं। टोटल 4 सॉक्स मैं कैरी कर रहा हूँ। ये 3 नॉर्मल सॉक्स हैं और ये मेरी वार्म सॉक्स हैं। इनकी लेंथ भी नॉर्मल सॉक्स से ज्यादा है और ये अच्छी खासी गर्म है। अपने साथ में 4 से 5 टी-शर्ट्स कैरी कर रहा हूँ। इनका मुझे आइडिया नहीं है कितनी यूज हो पाएंगी कितनी नहीं, बट मुझे लगा 5 टी-शर्ट्स तो होनी चाहिए इसलिए मैं 5 अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। ये है एक हाफ जैकेट जो ठीक ठाक मौसम में अपने को काम आएगी। और ये है मेरे कुछ ड्राई फिट वाले लोअर्स जो ठीक ठाक मौसम अपने को शिमला कल्पा तक मिलेगा, वहां पे ये लोअर्स और जैकेट्स आराम से काम आ जाएंगी। ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती है और ड्राइविंग में भी एक्चुअली बहुत कंफर्ट देती है। उसके बाद ये है कुछ अंडरगारमेंट्स का सेक्शन, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक ये मैं केंचो का छोटा सा वाटरप्रूफ बैग कैरी कर रहा हूँ। इसे मैं मोस्टली छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर चार्जिंग केबल्स एक्सेट्रा के लिए यूज करूंगा, बट आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस तरह का एक वाटरप्रूफ बैग होना बहुत जरूरी है, कहीं भी थोड़ी बहुत बारिश हो गई आप अपना छोटा मोटा सामान इसमें आराम से उठा सकते हैं। ये भी मैंने डिकैथलॉन से लिया है। उसके बाद आती है ये ट्रेवलाटेक किट जो मैंने अमेजोन से ली थी। इसे मैं 2 काम के लिए यूज करता हूँ, एक दवाइयाँ और सेकंड अपने टूथब्रश फेस वॉश वगैरह रखने के लिए। दवाइयों में जो मेनली मैं कैरी कर रहा हूँ वो है एक फर्स्ट एड किट, डेटॉल और थोड़ी बहुत कॉटन और पट्टी, खांसी वांसी थोड़ी बहुत अगर आ जाती है तो उसके लिए। ये है पेन रिलीफ जेल, बर्नोल, थर्मामीटर। इसमें 3 चीज़ें मेनली मिसिंग हैं जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर चुका हूँ, वो हैं एक एंटीबायोटिक दवाई विच इज़ एजिथ्रोमाइसिन, साथ ही मैं लेके जा रहा हूँ पेट दर्द की दवाई और एक ऑक्सीजन सिलेंडर। स्पीति जैसी जगह पे ऑक्सीजन की कमी होती ही होती है, इसलिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि जो भी स्पीति जाए अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर पोर्टेबल वाला जरूर कैरी करके जाए। ये 1-1 लीटर के पोर्टेबल सिलेंडर्स होते हैं, वेरी इजी टू कैरी, वेरी लाइट वेट। ये मेरे स्केचर्स हैं जो मैं रेगुलरली पहनूंगा, इसमें लेसेज नहीं है तो ये पहनने उतारने बहुत ईजी है, स्पेशली इसलिए मैं ये वाले स्केचर्स लेके जा रहा हूँ। एंड ये है मेरे डिकैथलॉन के शूज,
ये वाटरप्रूफ शूज हैं, स्नो से बचा सकते हैं और इसके नीचे के जो आप ये ग्रूव्स देख रहे हैं काफी हद तक ये स्लिपरी सरफेस को हैंडल कर जाएंगे। ये मैंने डिकैथलॉन से लिए हैं और लगभग 3,500 के आते हैं। ये है कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो मैं कैरी कर रहा हूँ ब्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है अपना Insta360 कैमरा, ये है अपना DJI मिनी ड्रोन उसका रिमोट कंट्रोलर और ये है ड्रोन की 3 बैटरीज। ये अपनी मैकबुक है जो अभी चार्ज हो रही है, डे टू डे डेटा ट्रांसफर करने के काम आएगी। अपना जो मेन व्लॉगिंग कैमरा है वो ये है, विच इज iPhone 15। दिस इज द नॉर्मल iPhone 15 256GB वर्जन। इस पूरी ट्रिप पे 3 कैमराज यूज होने वाले हैं जिसमें से मेन कैमरा यही रहेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको ड्रोन दिखाया वो ड्रोन शॉट्स के काम आएगा और 360 जो है वो 360 शॉट्स के काम आएगा। एंड अदर देन दैट एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन iPhone 15। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लेके जा रहा हूँ। तो चलो गाड़ी का बूट खोलते हैं और देखते हैं। ये है जंप स्टार्ट केबल, ये मैंने अमेजोन से खरीदी है और ये हैवी ड्यूटी केबल है। हैवी ड्यूटी केबल का ये मतलब है कि ये अच्छा करंट का लोड सह सकती है। कुछ गाड़ियों में बैटरीज बड़ी होती हैं तो नॉर्मल केबल से उसका लोड उठा नहीं पाती, बट दिस इज ए गुड क्वालिटी केबल। ये अमेजोन से मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है अमेजोन बेसिक्स का टायर इन्फ्लेटर जो कि बहुत काम की चीज है अगर आप स्पीति जैसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो। ये है टायर पंचर किट, ये भी अमेजोन से ली है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है एक सिंपल सा माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ और ये है सबसे मेन चीजें, ये है मेरी गाड़ी का इंजन ऑयल 0W20, ये मैंने स्कोडा के सर्विस सेंटर से खरीदा है और ये है कूलेंट, ये भी मैंने स्कोडा के सर्विस सेंटर से खरीदा है। ये दोनों 1 लीटर की बॉटल्स हैं और इन दोनों की कॉस्ट मिला के मेरा खर्चा हुआ है 1,000 रुपीज ओनली। बाकी अपनी गाड़ी के टायर्स जो हैं वो स्टॉक टायर्स हैं, लगभग 17,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अभी गाड़ी के जो टायर के ट्रेड्स हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं। इन टायरों के साथ मुझे सिर्फ एक चिंता है कि इसका जो प्रोफाइल है वो 55 है। ये 205/55R17 स्टॉक टायर्स हैं कुशाक के जो कि सीएट सिक्योरा ड्राइव ब्रांड के हैं। प्रोफाइल कम होने की वजह से मैं गाड़ी को फुल्ली लोड करके ऑफ रोड पैचेस पे नहीं ले जा सकता क्योंकि उस केस में टायर फटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मैं कितना वेट गाड़ी में डाल रहा हूँ और ऑफ रोड में कैसे गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। ये है अपना विंडशील्ड माउंट जो स्पेशली मुझे रिकॉर्डिंग में काम आएगा और ये है अपनी गाड़ी का डैश कैम। आजकल डैश कैम बहुत जरूरी हो गया है और मैं तो डैश कैम के बिना कभी भी नहीं चलता। इन दोनों चीजों का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपना iPhone 15 मैंने माउंट कर दिया है विंडशील्ड पे और अब मैं आराम से बैठ के कुछ भी वीडियो में बात कर सकता हूँ और कुछ इसी तरह से हम लोग अपनी ट्रिप में रिकॉर्डिंग करेंगे व्हाइल वी आर मूविंग। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे स्पीति ट्रिप पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।